हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है नए वीडियो के साथ न्यू टेक्निकल पे। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। रिक्वेस्ट है आप सभी से। और दोस्तों, आज की पोजीशन ये हो गई है समाज की कि हर आदमी, छोटा हो या बड़ा तबका, अधिकतर आदमी कर्ज के इस जाल में फंसा हुआ है, दलदल में फंसा हुआ है। कोई थोड़ा, कोई ज़्यादा, कोई बहुत ज़्यादा। ये सिस्टम ही पूरा बन गया है। पता ही कैसा सिस्टम किसने बनाया कि ये लोन का सिस्टम धीरे धीरे करके इसका दानों सबको अपने चंगुल में लेता चला जा रहा है। जो नहीं फंसे हैं वो मुस्कुरा रहे हैं, जो फंसे हैं वो तड़प रहे हैं, और जो हंस रहे हैं वो उन पे हंस रहे हैं जो फंस चुके हैं। उनको भरा भरा बुला कर, मतलब बुराई करते हैं उनकी, कि हाँ लोन लोन लेके खाया इन्होंने, ऐश किया, मजा किया। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि ये दानव धीरे धीरे करके सबको अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है, या बहुत लोगों को ले चुका है। लेकिन वो राज खुलते हैं जब, तब लोगों को पता चलता है। अभी अगस्त की शुरुआत में ही ये हुआ था। देखिए, इन्होंने सुसाइड किया था, फिल्म इंडस्ट्री के हैं नितिन देसाई, लगान और जोधा अकबर जैसे सेट को सजाने वाले आर्ट डायरेक्टर, ये भी कर्ज से जूझ रहे थे, और वो भी छोटा मोटा नहीं, 250 करोड़ का कर्ज इनके ऊपर था। इन्होंने आखिरी परेशान होके इन लोग कंपनियों, फाइनेंसर, छोटे 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 क्या कह सकते हैं, जब इतना पैसा देने वाले तो वो दबाव भी तो उस हिसाब से बनाते होंगे। इन्होंने इनको इतना परेशान किया कि इन्होंने अंत में सुसाइड कर लिया। तो दोस्तों, ये है बड़ी बड़ी चकाचौंध के पीछे की भी सच्चाई। और दोस्तों, इतनी बुरी हालत होती जा रही है लोगों की कि जब खुलता है तभी पता चलता है। और मज़े की बात तो दोस्तों, तकलीफ तब होती है जो इसमें नहीं फंसे हैं, उनको कहीं से बैकअप रहा हो या उनकी और इनकम हो, इस वजह से वो नहीं डगमगाए। बाकी लॉकडाउन के बाद से सबकी स्थितियां खराब हुई हैं, हर आदमी परेशान है। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा, साल 2 साल, 3 साल, वैसे वैसे लोगों की हालत खराब होती जा रही, और लोगों के लोन के दलदल में जो भी फंसे हैं, जैसी जैसी जिसकी हैसियत, वैसे ही उसके पर्दे हटते जा रहे हैं, राज खुलते जा रहे हैं। और जो नहीं फंसे हैं वो मजे ले रहे हैं, वो हम हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ताना दे रहे हैं कि इन्होंने क्यों ले लिया, क्या जरूरत थी, क्यों ले लिया, इस तरह उठ टांग की बातें कर रहे हैं। जब उनके आसपास उनका कोई खास फंसेगा तो उनको शायद एहसास हो, क्योंकि पता तो जब चलता है, जब ज़्यादा मामला गंभीर होना शुरू होता है, रिकवरी वाले आने शुरू होते हैं, तब राज खुलता है। और इसके अलावा इस न्यूज़, ये तो अगस्त शुरुआत की न्यूज़ है, अभी फिर एक लास्ट में एक न्यूज़ निकल के आ रही है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये है फिल्म इंडस्ट्री के हीरो सनी देओल जी की न्यूज़ खुल के आ रही है दोस्तों। अभी ट्विटर पे भी मैंने देखा है, जो कर्ज मुक्त भारत अभियान चला रहे हैं शहनाज चौधरी जी, उन्होंने भी ट्वीट किया है। और मैं फिर गूगल पे गया, क्रोम पे गया, मैंने वहाँ दे जाके सर्च किया, तो वहाँ ये न्यूज़ सही थी कि सनी देओल ने नहीं चुकाया लोन, तो बैंक ऑफ बड़ौदा नीलाम करेगा बंगला, बैंक करेगा 56 करोड़ की रिकवरी। इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेकर बंगला तैयार किया था अपना, 56 करोड़ का लोन लेके, और ये भी डिफाल्टर हो चुके हैं, बैंक ने नोटिस निकाल दी है इनके नाम से। तो सोचिए, जब इतने बड़े बड़े लोग इन लोन के चक्करों में फंस चुके हैं, डिफाल्टर हो रहे हैं, तो वाकई दोस्तों स्थिति बहुत गंभीर है। और कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई सुन नहीं रहा है। हम आप तो लाख, 2 लाख, 4 लाख में परेशान हैं, जीना हराम हो गया है हमारा। कंपनियों, NBFC वाले, बैंक वाले, सूट कोट सब हावी हैं, और सब अब नोचने में जुटे हैं, और पैसा है नहीं लोगों के पास, जॉब है नहीं, बिजनेस मंदा हो चुका है, हालत लोगों की खराब है, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई
कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, और जनता में, अड़ोसियों पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में, जान पहचान वालों में सबकी यह हालत है, कोई एक दूसरे का साथ देने को तैयार नहीं हो रहा है। और रिकवरी वाले भी ये एकदम वही हालत उनकी हो गई है जैसे अंग्रेज शासन में रहता था, कि भारत के ही लोगों को अपने यहाँ नौकरी पे रखते, भारत के लोगों को ही प्रताड़ित करते थे। वही सिस्टम ये रिकवरी वालों का हो गया है। हैं हम ही आपके बीच के ये लोग, अपनी कंपनी की नौकरी कर रहे हैं, कंपनी ने इनको नौकरी पे रख लिया है 8-10 हज़ार के पैकेज पे या 15 हज़ार के पैकेज पे, और यही लोग अपने ही लोगों का शोषण कर रहे हैं, अपने ही लोगों का हरसमेंट कर रहे हैं। भले ये वीडियो न सुने, अगर सुन रहे हो तो अपनी आंखें खोल लें रिकवरी वाले, आप अपने ही लोगों का हरसमेंट कर रहे हैं थोड़े से पैकेज पैसे के चक्कर लालच में। तो अगर सुन रहे हो आप तो समझिए और इस हरसमेंट को रोकिए, कम कीजिए, क्योंकि आपके अपने ही लोग हैं जो आज लोन के दलदल में फंसे हैं, यही लोग हैं। आप कंपनी की नौकरी कीजिए, मैं नहीं कहता कीजिए, आप फॉलो कीजिए, आप अपने तरीके से, लेकिन काम कीजिए। सब कुछ कंपनी के अनुसार ही, मैनेजमेंट के अनुसार ही, टीएल के अनुसार ही मत कीजिए। थोड़ी मानवता बनाए रखिए, इंसानियत बनाए रखिए, और रिकवरी जो RBI की गाइडलाइंस के अनुसार, RBI ने गाइडलाइंस बनाए रखी है, उसके अनुसार ही रिकवरी कीजिए। किसी का जीवन खतरे में मत डालिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है मेरा। तो दोस्तों, ये कुछ बातें आपके साथ शेयर की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, और सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, और जो आप किसी तरह से लोन डेप्थ में फंस चुके हैं तो लोन डेप्थ से बाहर निकलिए। जो गैर जरूरी चीज़ें हैं वो अगर निकाल सके तो निकाल के अपने लोन को कम कीजिए, और थोड़ा सुकून महसूस कीजिए, थोड़ा सा राहत महसूस कीजिए। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद आप।